स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महा विकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में आए बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के मदद के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये आर्थिक पैकेज 11,500 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने राहत पैकेज की घोषणा करने के साथ ही कहा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। किसान, व्यापारी, उद्योजक, दुकानदार, मजदूर और सामान्य लोग बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से पिछले 1.5 वर्षों में प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थिति की गंभीरता के मद्देनज़र हमेशा के निष्कर्षों से अधिक मदद करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। महत्वपूर्ण है कि महाड़ और चिपलून में इस साल बाढ़ व भूस्खलन से अत्यधिक तबाही हुई है। यही वजह है कि यहाँ बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित कर उनकी रिपोर्ट के अनुसार विशिष्ट गांधारी और सावित्री नदी के किनारे व भीतर से कीचड़ निकालकर मॉडल स्टडी के आधार पर 3 वर्ष के भीतर संरक्षण दीवार निर्माण करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 11,500 करोड़ रुपये के घोषित पैकेज में से 1,500 करोड़ रुपए मदद कार्यों के लिए, 3,000 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण संबंधित कार्यों के लिए और 7,000 करोड़ रुपए सौम्यीकरण उपाय योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौहान ने बाढ़ व भूस्खलन की वजह से बर्बाद हुए रास्तों और पुलों की मरम्मत के लिए 2,224 करोड़ रुपये की निधि की मांग पहले ही की हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 4,138 रास्तों एवं कॉजवे और पुल का नुकसान पहुंचा है। अस्थाई मरम्मत के लिए 290 करोड़ रुपए की निधि व स्थाई मरम्मत कार्यों के लिए करीब 1,935 करोड़ रुपए की निधि की ज़रूरत है। कोंकण लोक निर्माण विभाग सहित अन्य योजनाओं को 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। कोयना टेलरेस पानी के संबंध में मुंबई लिंक प्रोजेक्ट के लिए DPR पर अभ्यास कर 3 महीने में निर्णय लिया जाएगा। कोंकण की 26 नदियों में बाढ़ की चेतावनी देने वाला RTDS प्रणाली 3 महीने में स्थापित की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।